भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं 5 बार के सांसद सरताज सिंह छटवाल का बीती रात निधन हो गया। उनके इस निधन से पूरे नर्मदापुरम में, खासकर इटारसी में उनके कार्यकर्ताओं में गहरा दुख व्याप्त है। स्वर्गीय सरताज सिंह ने अपना राजनीतिक कैरियर की शुरुआत इटारसी से की थी, जब वह पहली बार 6 माह के लिए नगरपालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इटारसी नगरपालिका अध्यक्ष से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और 2009 से 2016 तक मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद से ही सरताज सिंह का परिवार इटारसी में बस गया। हरि विष्णु कामत के संपर्क में आने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 10 साल बाद इटारसी नगरपालिका के कार्यवाहक नगरपालिका अध्यक्ष बने। सरताज सिंह 1989 से 1999 तक होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद बने। इस दौरान उन्होंने 3 बार कांग्रेस नेता रामेश्वर निखरा और 1 बार कांग्रेस के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह को चुनावी मैदान में मात भी दी। 2004 में लोकसभा सांसद चुनने के बाद वर्ष 2008 में सरताज सिंह ने कांग्रेस के गढ़ सिवनी मालवा सीट से विधानसभा उपाध्यक्ष हजारी लाल रघुवंशी को हराकर बड़ी जीत हासिल की। इसके बाद ने भाजपा सरकार में मंत्री बनाया गया। 2013 में वे फिर जीत कर आए और मंत्री बने, लेकिन 2016 में 75 साल की उम्र में उनसे इस्तीफा ले लिया गया। इसके बाद से लगातार पार्टी और नेतृत्व से नाराज होने के उनके बयान सामने आते रहे। अमित शाह द्वारा भोपाल दौरे के दौरान मंत्री पद के लिए 75 साल का फार्मूला नहीं होने की बात कहने से सरताज जी फिर मुखर हुए। लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो नामांकन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से 1 दिन पहले उन्होंने कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया और होशंगाबाद से प्रत्याशी बन गए। लेकिन भाजपा से उम्मीदवार डॉक्टर सीता शरण शर्मा, जो उनके चेले थे, उनके सामने सरताज सिंह को हार का सामना करना पड़ा। सीता शरण शर्मा के राजनीतिक गुरु थे स्वर्गीय सरताज सिंह। आपको बता दें कि विगत कई महीनों से सरताज सिंह बीमार चल रहे थे।